गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। दो तीन एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंट था कान के मिरर का फोकल लेंथ निकालना, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ निकाला था। ऑप्टिक बेंच को कैसे सेट करना चाहिए, उसके बाद उस सेटअप को कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए कैसे इस नीडलों को और अपराइट्स को मूव करके इमेज सेट करना है, ये आपने सीखा और एक्सपेरिमेंट बनाया। उसकी रिजल्ट बहुत शानदार आई होगी आपको। अभी हम आगे एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालें। सो, अभी हमारा एम रहेगी कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना। कॉनकेव लेंस आपको पता है डाइवर्ज करेगा, लाइट जो पैरेलल लाइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएगी उसको डाइवर्ज करेगा, मतलब कन्वर्ज नहीं करेगी। बट कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है वो कन्वर्ज करने वाला है, समझ आया ना, ये आपने 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। वो बात को हम यहां पर यूज करके कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना हमारा अभी का एम। फिर ऑप्टिक बेंच ही हम यूज करने वाले हैं, इसमें सेटअप कैसे करना चाहिए आपको पहले भी आपको दिखाया है, आज भी हम एक बार दिखा देंगे। अभी ऑप्टिकल बेंच को हमें अच्छी तरह सेट करने के बाद कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ लेने के पहले जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं उसको रखे एक इमेज बनाना जरूरी है। कॉन्वेक्स लेंस का इमेज पहले बनेगा, मतलब या आप बोल रहे हैं ना पहला वाला एक्सपेरिमेंट को हमें एक बार सेट करना चाहिए, समझ रहे ना, उसके बाद हम कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सर, यस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को निकालने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को क्यों यूज करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं हम, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हमें इस ऑप्टिकल बेंच में इमेज लाने का मतलब है हमारा पूरी सिस्टम कन्वर्जिंग फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। सो, हमें कॉन्वेक्स लेंस के बिना यूज करके कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम को पूरे पूरे कन्वर्जिंग बनाने में कॉन्वेक्स लेंस ही हमें मदद करेगा, समझ आया आपको। देखिए, सेटअप तो हमने कर ही लिया, अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस को लेकर उसमें सेट कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस यहां पर सेट कर दिया है, राइट? आपको पता है इसका रफ फोकल लेंथ बिना निकालने के पहले इसको सेट करनी चाहिए, क्योंकि बार बार सिस्टम हमारी बिगड़ जाएगी, इसीलिए हमें इसका रफ फोकल लेंथ पहले ले लिया, उसके बाद जाके इसको सेट किया। हमें रफ फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस का पता है, सो हम ऑब्जेक्ट नीडल जो मानेंगे इसको बिटवीन एफ और 2F के बीच में रखेंगे। सो, इसका इमेज हमें 2F के बाद में मिलना चाहिए, यानी कि आपका रे डायग्राम आप बनाएंगे उसमें ऐसे रहेगा एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस में हम रख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा, रे ऑफ लाइट, वो क्या होगा, वेरी गुड, कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज जिस जगह पे हो रही है उस जगह में हम बोलेंगे इमेज, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से जो लाइट निकला वो इमेज बन गया, कन्वर्जिंग बन के। देखिए, दूसरा रे में ले रहा हूं, वो भी उसी पॉइंट में जाके इमेज हमारा बनाएगा। सो, पहले जैसे मैंने कहा था कॉन्वेक्स लेंस का एक्सपेरिमेंट जैसे आपने किया था,
वैसे ही इधर आपका इमेज फिक्स करना चाहिए। उसके लिए हमें पहले ये रे डायग्राम है, बट हमारा एम क्या है, बार बार आपकी एम को बोल ना जाए। देखिए यहां पर हमारा एम है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना, लेंथ निकालना। सो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस को यहां पर बीच में लाएंगे। ये लाइट यहां पर डाइवर्ज होने की वजह से आपको प्रिंसिपल एक्सिस में थोड़ा और पीछे जाकर आपको फाइनल इमेज बनेगा। समझ आई आपकी बात? ये मैं I1 इंडिकेट कर रहा हूं जो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से बनाया था। जो I2 है वो कॉम्बिनेशन की वजह से बन रही है। कॉम्बिनेशन हमारी कन्वर्जिंग होनी चाहिए। सो आपको जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस ने बनाया था वो इमेज इस कॉन्केव लेंस की ऑब्जेक्ट की जैसे बिहेव करेगा और आपका फाइनल इमेज इस पॉइंट में शिफ्ट हो रही है। डाइवर्जिंग नेचर की वजह से, कॉन्केव लेंस का डाइवर्जिंग नेचर की वजह से ये इमेज हमारा पीछे जा रहा है। सो ऑब्जेक्ट I1 मानेंगे, सो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहेगा और इमेज हमारा यहां पर रहेगी, यहां पर इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। ये U और V हमारा फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें मदद करेगा। सर, यस सर, क्या हर तरह के लेंस कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस को रखने से यहां पर इमेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दो तीन प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं, उसको आपको समझना चाहिए। आपको याद होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस जब भी हम पढ़ते हैं, इफ F1, F2 आर द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस, जो कॉन्टैक्ट में हम रखते हैं उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ F बनेगा इस फार्मूला की बेसिस पे। सो सपोज मान लीजिए F1 में कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मान लिया हूं और F2 है कॉनकेव लेंस का, थोड़ा सा इसको निशान को चेंज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। आपको तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स आता है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव के साथ आती है क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कन्वर्जिंग नेचर है। जब तक आपका fx का वैल्यू fc से कम ना हो आपको एक f का फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं बनेगा। मतलब fx की वैल्यू fc से कम हो एक कन्वर्जिंग सिस्टम बनेगा, फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड सिस्टम ऑफ लेंसेस विल बी पॉजिटिव। इसीलिए आपको याद रखना है कौन सा दो लेंस आपको चूज करनी है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ से कम लेना चाहिए। ये जरूर सवाल आपकी माइंड में आएगा, हमें पता कैसे चलेगी? आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कम लेने से ज्यादा देर ये कॉम्बिनेशन आपको बढ़िया बन जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले कॉन्वेक्स लेंस का इमेज बना, हमने कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस किया, फाइनल इमेज आपको थोड़ा दूर में मिल रहा है। अभी इस अरेंजमेंट को यहां पर ऑप्टिकल बेंच में करके उसका रीडिंग लेने के बाद हमारा फोकल लेंथ मिल सकता है। पहले याद रखना ऑप्टिकल बेंच की हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग, वर्टिकल पोजीशनिंग, ये बहुत जबरदस्त बढ़िया सा कर देना चाहिए। ये हम करने के बाद इसका फोकल लेंथ आपको, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको निकालना होगा। क्यों? हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f रखना चाहिए, सो दैट हमारा इमेज 2f के बाद में मिलेगा। करें? अभी मैं इस ऑब्जेक्ट नीडल को यहां रख रहा हूं बिटवीन एफ एंड 2f। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस हमारा है और ऑब्जेक्ट नीडल का जो इमेज बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। उस इन्वर्टेड इमेज को
हमारा इमेज के साथ, इमेज निडल के साथ दोनों को फ्रेंडशिप कराना है, दोनों साथ साथ जाएगा, मतलब टेक्निकली हम जो कहते हैं रिमूवल ऑफ पैरलैक्स। जब भी हम पैरलैक्स सही ढंग से रिमूव कर रहे हैं, हमारा बढ़िया सा पोजीशनिंग आएगी और हमारा रीडिंग सही होगा और फोकल लेंथ भी सही आने का उम्मीद 99% हो जाएगी। सो थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें पैरलैक्स को रिमूव करना। कभी आप थोड़ा दूर में रखेंगे इन्वर्टेड वाला और इरेक्ट नीडल, दोनों अलग अलग स्पीड से जाएंगे, और या नज़दीक में रखते हैं फिर भी वही प्रॉब्लम, यानी कि इन दोनों पोजीशंस के बीच में आपको एक ऐसा एक स्थिति आएगा जिसमें दोनों नीडल साथ साथ जा रहा हो, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसी जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट नीडल को सेट किया, कॉन्वेक्स लेंस ने उस लाइट को कन्वर्ज करके हमें इमेज बना दिया। हमारा एम क्या था? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालना, मतलब हमें यहां पर कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो देखिए यहां पर जगह कम है, समझ रहे हैं बात? यस। कहीं जरूरी भी कॉन्वेक्स लेंस को 50 सेंटीमीटर पोजीशन पर ही रखा जाए? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। 50 सेंटीमीटर में रखने से देखिए हमें एक जगह थोड़ा सा कम हो रही है, दूसरा जब भी यहां पर हमने आपको दिखाया रे डायग्राम में कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा इमेज पीछे जाएगा, मतलब हमें यहां पर ऑप्टिकल बेंच में जगह होनी चाहिए इमेज फाइनल निकालने के लिए इस नीडल को हम मूव कर सकें। इसीलिए इस बात में थोड़ा ध्यान रखना, 50 सेंटीमीटर में रखना जरूरी नहीं है, हमें यहां पर ज्यादा जगह बन जाए सो दैट हमारा एक्सपेरिमेंट को पूरे पूरे करने के लिए ऑप्टिकल बेंच की जगह सफिशियंट हो। अभी आप देखिए मैं यहां पर कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कॉनकेव लेंस क्या करेगा? वेरी गुड, डाइवर्ज करेगा। सो हमारा इमेज कहां जानी चाहिए? इससे कॉनकेव लेंस के नजदीक में आएगा? नहीं, क्या होगा? पीछे जाएगा। अभी इसको हम एक फिक्स्ड पोजीशन में रख दिया। ये रखने के बाद राइट अभी क्या करना है? डाइवर्ज होगा, यहां पर इमेज नहीं बनेगी। सो देखिए साथ साथ जा रहा है कि नहीं? पहले जो आपने साथ साथ सेट किया था अभी कॉनकेव लेंस रखने की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई। अभी ध्यान से करना है, देखिए यहां से हम देखेंगे और हमारा हाथ कान वो जो फाइनल इमेज नीडल की ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन पे जा नहीं पा रहा है, इसलिए हम क्या करना चाहिए, इधर आके थोड़ा सा इसको ऑलमोस्ट सही आंसर तक इसको रख लेते हैं, उसके बाद जाके एक स्केल को यूज करके उसको थोड़ा सा और पीछे कर लें। अभी देखिए दोनों साथ साथ जा नहीं रहा है, मैंने उस साइड से थोड़ा बहुत नज़दीक में रख दिया था दोनों साथ साथ जाने का चांसेस के लिए। अभी हमेशा यहाँ से ही एडजस्ट करना जरूरी है इमेज नीडल की साइड से। अभी मैं इसको थोड़ा और दूर कर रहा हूँ और दोनों और क्लोजअप में आ रही है, देखते रहिए अभी एकदम साथ जा रहा है, मतलब इस दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन में इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा, दोनों कार्डिनल पॉइंट्स हैं। सो हम एक ले चुके हैं इमेज पोजिशन। देखिए इसमें बीच में एक चीज याद रखना जरूरी है, आपने इसका पोजीशन चेंज नहीं करना, कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन चेंज नहीं करना, पहले जो नीडल यहां पर थी इमेज बनी थी उसका पोजीशन को नोट करना बहुत जरूरी है। ये तीनों नोट करने के बाद आपने इस कॉनकेव लेंस को
अंदर करना है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा यहां पर सेट करके दिखाऊंगा, आप इस बात को याद रखेंगे। सही। सो यहां पर मैंने सेट किया, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनी, मुझे अंदाजा थी इसी जगह पे होनी चाहिए, अभी सेट हो गया है। अभी मैं कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, डाइवर्ज होगा, मैं यहां से इसको दूर करके उसका पोजीशन में देख रहा हूं, दोनों जैसे मैं गर्दन को मूव कर रहा हूं, वो दोनों नीडल साथ साथ चल रही है। इसका मतलब हमारा ये रीडिंग, पहला रीडिंग आ गया है। हमें कॉनकेव लेंस को भी रखने के बाद इमेज का पोजीशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। अभी जो भी हमें रीडिंग ली थी उसको सही ढंग से यहाँ पर रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट जो भी आप करेंगे उसमें रिकॉर्डिंग प्लेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, देन ओनली आपका आंसर सही आने का चांस बनती है। कॉन्वेक्स लेंस को हम ज़्यादा इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसका पोजीशन को हम फिक्स कर लेंगे। और याद है आपको रफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का आपने निकाला था, वो भी हमारा ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने एक फिक्स किया, कॉन्वेक्स लेंस की जगह फिक्स की और उसका इमेज बनी, वो दोनों पोजीशन को हमें नोट करना है। उसके बाद हमने क्या किया था, कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस किया था, उसकी पोजीशन हमें नोट कर लिया और इमेज फाइनली हमारा मिल गई। सो ये एक्स वन का वैल्यू, ऑब्जेक्ट नीडल, कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन और इमेज पोजीशन, कॉनकेव लेंस का और इमेज विथ बोथ द लेंसेस हमने यहां पर निकाल लिया, ये वैल्यूज को रिकॉर्ड कर। उसके बाद याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर का एक्सपेरिमेंट जब भी आपने किया था, यू और वी के ग्राफ बनाए थे, वन बाई यू वन बाई वी का ग्राफ बनाए थे, आराम से उस ग्राफ से ही फोकल लेंथ निकाल दी। बट यहां पर आप कॉनकेव लेंस का जब भी करेंगे आपको लेंस फार्मूला को यूज करना होगा। लेंस फार्मूला आप जानते हैं ना, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। सो इस फार्मूला को हमें यूज करके हमारा फोकल लेंथ को लेना चाहिए, कैलकुलेशन करना होगा। सर, यस सर, इसमें यू को तो नेगेटिव लेंगे ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसमें गलतियां करके बच्चे अपना मार्क्स भी खोते हैं, दे लूज मार्क्स। क्या है, आप एक बार रिकॉल करिए जो रे डायग्राम हमने बनाए थे। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स किया था, उसमें एक ऑब्जेक्ट का इमेज हमें बनाया था, जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस ने बनाया उसको और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में कॉनकेव लेंस हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस ने बनाया वो हमारा अभी ऑब्जेक्ट बनेगी, वो रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल होना चाहिए। सो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट ने कॉनकेव लेंस को सामने है, सो फाइनल इमेज आपको आई टू में बनेगी। हमने कहा था पहले भी ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और कॉनकेव लेंस और फाइनल इमेज के बीच में जो होगा वो आपका इमेज डिस्टेंस बनेगी। अभी ध्यान से साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा रिकॉल करिए, ऑब्जेक्ट से लाइट आपको राइट साइड में जा रहा है, आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी मेजरमेंट करना जरूरी है। कॉनकेव लेंस से इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो यू है व्हेन यू मेजर, वो राइट में जा रहे हैं या लेफ्ट में जा रहे हैं? राइट में जा रहे हैं। सो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है या ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट है? इन द डायरेक्शन। सो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? पॉजिटिव लेंगे, है ना।
सो ये यू आपका पॉजिटिव रहेगी। व्हाट अबाउट यूर वी? वी भी राइट साइड में है, इंसिडेंट डायरेक्शन में है, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब इस फार्मूला में आप जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। सो अपने आप ये आंसर हमें नेगेटिव में आ जाएगा। यू वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी आप लगाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव में आना चाहिए। नहीं आ रहा हो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, फोकल लेंथ को निकालना बहुत जरूरी है। इसमें इमेज फॉर्मेशन जब भी कॉन्वेक्स लेंस का हम बना देंगे, कभी कभी क्या हो जाता है, जो कॉन्वेक्स लेंस और ये इमेज कॉन्वेक्स लेंस का इमेज है उसका दूर बहुत कम हो जाती है। जिस दूर के अंदर आपको ये कॉनकेव लेंस का जो रखने का जगह ना मिले, उसमें क्या होगा, आप तो वैसे ही मूव करके इमेज निकाल दोगे, बट वहां पर यू मे बी क्रॉसिंग द इमेज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विदाउट नोइंग। इसीलिए मान लीजिए यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का इमेज है, ये जब ही रखेंगे, ये यहां पर रख दिया आपने, उस दूर को क्रॉस कर लिया, हो सकता है इमेज यहां पर थोड़ा दूर में मिल जाए, बट ऐसे रीडिंग नहीं लेना है। आपका पोजिशन ऑफ कॉनकेव लेंस इन दोनों पोजीशन के बीच में होना जरूरी है। वो कभी कभी ऑप्टिक बेंच में सेट नहीं हो पाता है, वो आपको ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है हमने समझा, वैल्यूज को रिकॉर्ड की, पहला फोकल लेंथ पहली ऑब्जर्वेशन का निकाल दिया, अपने आप आंसर नेगेटिव आई, इसका मतलब हमने हमारा पहला ट्रायल बिल्कुल सही तरीके से किए। अभी हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करना है, अपने आप इमेज डिस्टेंस चेंज होगा, दोबारा हम फोकल लेंथ निकालेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करने का मतलब हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट नीडल को छेड़ना नहीं, इमेज विद कॉन्वेक्स लेंस को भी छेड़ेंगे नहीं, खाली हम कॉनकेव लेंस का पोजीशन को चेंज करेंगे। जब ही कॉनकेव लेंस का पोजीशन हम चेंज करेंगे, आप ध्यान से देखिए, इधर आई वन और कॉनकेव लेंस का बीच में जो दूर है वो चेंज हो गया, यानी कि यू की वैल्यू चेंज हो गई। जब ही यू का वैल्यू चेंज हुआ, आपको दोबारा वी निकालने पड़ेंगे, उसको भी आप रिकॉर्ड करिए और कैलकुलेशन करिए। ये करने से आपका बिल्कुल बढ़िया सा फोकल लेंथ नियर अबाउट वैल्यूज आ जाएगा, उसके बाद उसकी एवरेज आपको लेना होगा। इसमें क्या क्या प्रिकॉशन समय लेनी चाहिए, इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेटिंग हमेशा बढ़िया होना चाहिए, ये पहला चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा लेंस कॉम्बिनेशन हमें कन्वर्जिंग बन रहा है, उसको आप कॉम्बिनेशन बना के शार्प इमेज बन रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए, उसके बाद जाके अपना यूज करना चाहिए। हमारा तीसरा है, जो कॉन्वेक्स लेंस रखे पहला इमेज हम बनाते हैं, जो आई वन जो कहते हैं उसको, राइट, उस I1 का जो इमेज है एकदम बढ़िया सा आपको करना होगा, क्योंकि जो गलती उसमें रहेगी वो आगे कॉनकेव लेंस को भी इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत करेगी। सो आपको नीडल कॉन्वेक्स लेंस उसका इमेज जो बनेगा वो एकदम से बढ़िया आपको बनाना चाहिए, मतलब पैरलैक्स एकदम से बढ़िया सा सेट करके निकालना चाहिए। समझ आया ना, पैरलैक्स रिमूव करने में वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। चौथा, ये जो गैप होता है ये इतना हो, जो कॉनकेव लेंस अपराइट है ना,
इसकी विड्थ से ज़्यादा हो और यहाँ पर आपको मूव करने के लिए थोड़ा स्पेस भी हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, कान के लेंस का पोजीशन इमेज विथ कॉन्वेक्स लेंस से पार कर लेगा, आपकी ऑब्जेक्ट रियल बन जाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपको रियल इमेज बनेगा, आपको यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सो इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखें और यहाँ का गैप को सही करें। ये सब कुछ करने के बाद आपको कैलकुलेशन से करना होगा, सो साइन कन्वेंशन में ध्यान दें, यू और बी दोनों पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, ये पहला कंडीशन ऐसे आप देख रहे हैं U की वैल्यू आपको पॉजिटिव है, क्यों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के लिए है इसीलिए आपको U की वैल्यू पॉजिटिव है। सो U की वैल्यू पॉजिटिव, V की वैल्यू पॉजिटिव, और आप थोड़ा सा भी नॉर्मल वे में देखेंगे इमेज विथ कॉन्वेक्स लेंस जो पहले आ रहा है, इमेज विथ बोथ द लेंस दूर में आ रहा है, इसका मतलब V की वैल्यू U से ज्यादा है। सो आपका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी जो हमें आना चाहिए। इस बात को सारे अच्छी तरह याद रखना बहुत जरूरी है। सो प्रिकॉशंस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेटिंग हमें सही करनी चाहिए, सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस लेना बहुत जरूरी है, और पहला कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे वो सही ढंग से करें, पैरलैक्स सही ढंग से रिमूव करें। चौथा, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज नीडल थोड़ा सा ज़्यादा रखें सो दैट हमें कॉनकेव लेंस को मूव करने का जगह मिल जाए, और साइन कन्वेंशन को सही ढंग से अप्लाई करें। ये पांच प्रिकॉशंस को आपको हॉनर करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक बार में बढ़िया सा आपका फोकल लेंथ नहीं निकल पाएगा। ध्यान रखिए इस बात को, कॉनकेव मिरर एक तरीके से हमें रियल लाइफ में यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर दूसरे तरीके से यूज करते हैं, डेंटिस्ट प्रयोग करता है कॉनकेव मिरर, और साइड व्यू मिरर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज करते हैं रियल लाइफ में करके आपको महसूस होगा, हमारा आई इट्सेल्फ इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और कभी कभी आपने देखा होगा आपकी टीचर्स ने चश्मा पहने होंगे, कभी कभी छोटे बच्चा भी चश्मा पहनता है, सबका लेंस एक जैसे नहीं होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम यूज करते हैं, ऑलरेडी आई में एक लेंस है उसके साथ एक और लेंस सामने रख लेते हैं, दोनों मिलके एक बच्चे को सही विजन प्रोड्यूस करने में कामयाब होता है। इसी आधार पर आप देखेंगे यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, बट ध्यान रखना हमेशा कन्वर्जिंग इमेज बनती है, उस कन्वर्जिंग इमेज बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को प्रयोग साथ करना ही पड़ेगा कोई भी केस पे। डिफेक्ट हमारी रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हमारा आई में है वो अलग अलग हो सकती है, सो एक कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा आई में है उसके साथ हम एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, या डिफेक्ट हमारा दूसरा हो कॉनकेव लेंस यूज करें, बट कुल मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमें सही विजन प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया टेलीस्कोप्स बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया कैमरास बनाते हैं, वो सब में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की यूज होता है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन जो है एक कदम हमें रियल लाइफ की एप्लीकेशन की ओर से हमें ले जा रहा है। इसको अच्छी तरह से हम मास्टर करें और फिजिक्स पढ़ने में और न्यूमेरिकल्स करने में एंजॉय करें, हमारा फिजिक्स में मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाए। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन अ नाइस मैनर एंड एंजॉय योरसेल्फ इन योर सब्जेक्ट फिजिक्स। थैंक यू।